सवाल यही से शुरू करते हैं कि जिस तरह नॉर्मली लोग अपने फादर का नाम साथ लिखते हैं जैसे मेरी बेटी आयशा तो वो लिखेगी आयशा बिनते अहमद लेकिन आपका इन बिनते सफिया right. सो आपने अपने फादर का नाम साथ नहीं लगाया हुआ उसके क्या रीज़न है मेरा पासपोर्ट पे मेरे फादर का नाम ही है ठीक है आ, लेकिन जब मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी शुरू की hmm. तो आई टू टू डेडिकेट दिस वॉन्टीट मदर हु हैज़ अ सिंगल पेरेंट फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड सिस्टर्स लाइफ और उनकी जो मेहनत उनकी तरबियत उनका प्यार उनका इसार मैं उसको डेडिकेशन uh, देना चाहती थी मैं ये चाहती थी मुझे नहीं पता था कि मेरा पास क्या होगा मेरा ग्रोथ पाथ क्या होगा एज अ लाइफ कोच एज ऑथर एज अ टीचर लेकिन मुझे ये पता था कि मैं जो भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ

तो अलहमदिल्ला आई वॉज बॉन्ड वाटर अबूदाबी यू ए में हुँ. मेरी वालदा जो हैं वो uh, एक नर्स uh, हैं बाई प्रोफेशन और अर्ली uh, एज में ही मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई और uh, उसके बाद फिर ये रहा कि हमारे हम लोग यू ए में ही रहें और एक ब्लेसिंग थी क्योंकि एक बहुत सारे कल्चरल uh, जिसको कहते हैं ना स्टिगमा से हम महफूज रहे हुँ. एक वो बहुत बड़ा रीज़न था कि एक सेफ्टी जो होती है ना किसी भी बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट में सेफ़ इन्वायरमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता वॉर है और हंगर है और कोई खुदा ना खास्ता आपकी जान को और आपकी इज़्ज़त को पड़ा हुआ नहीं सेफ्टी ये भी होती है कि लोग बात आपके इर्द गिर्द कैसे करते हैं तो अल्लाह की तरफ से मामा पर यह क्रम था कि वो ऑलरेडी बाहर थे हम लोग बाहर थे तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट में पले पढ़े तो इस आइडिया के बग़ैर पले पढ़े कि ओ फादर नहीं है हाँ बाहर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी का एक है एक है है बेशक मतलब है तो वो मुसलमान कंट्री ही और वहां पे कल्चरली अब अरब इमारात में पैदा हुई इमारात में पड़ी बढ़ी लेकिन मुझे अरबी नहीं आती क्यों क्योंकि वहाँ पे ये था कि लोग देसी जो थे वो अपनी देसी कम्युनिटी में आउट करते, करते थे अरबी अपनी अरबी में करते थे लेकिन फिर भी इतनी आज़ादी थी कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजार सकते हो और अम्मा की तरबियत और मेहनत और उनका प्यार था उसने सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से पन अपने दिया मुझे पहली दफ़ा एहसास ये हुआ कि लोग सिंगल पेरेंट को ब्रोकन होम कहते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब मैं लाहौर पढ़ने के लिए आई तब मुझे क्लास डिफरेंस समझ में आया तब मुझे लगा कि लोग देखते अजीब तरीके से हैं लोग बात अजीब तरीके से करते हैं तो यानि कि बचपन पूरा उस लिहाज से सेफ था और इतना आइडिया नहीं था कि सिंगल पेरेंटिंग कितना बड़ा स्टिग्मा है और जब मेरी अपनी शादी हुई तो आम, मेरी अपनी शादी के बाद देर वर सर्टन स्ट्रगल्स क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर आप अपने पेरेंट्स को एज अ कपल नहीं देख रहे हो hmm. आप एक सिंगल वुमन को देख रहे हो जो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली इमोशनली अपने डिसीजन लेने में तो आप ये देखते हैं कि मैं उस घर आने से आ रही हूँ जहाँ पे एक खातून जो है शी इज़ अर्ट शी इज़ टेकिंग ऑल द डिसजन फिर शादी होती है एंड देन

कि अगर सेपरेशन हो भी जाती है तो नॉर्मली मिलना, तो मिलना, मिलना चाहिए इस्लामिक मिलना चाहिए लेकिन इसमें ये नहीं था कि मना किया गया था मिलने से या मेरी वालदा की तरफ से आई थिंक उन दोनों कुछ जरूरत नहीं महसूस हुई तो हाँ कभी वो हुआ ही नहीं